सुपर अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस बनी है हमारी शाही पनीर की ये रेसिपी। तो चलिए थोड़ी सी इस पे क्रीम से करते हैं गार्निशिंग। इसको जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं प्रिया, प्रिया मसाला किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी एक और नई खास रेसिपी आप सबके लिए बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं शुरुआत अपनी एक और नई खास रेसिपी की। आज हम आप सबके लिए बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए और इनको इस तरह से काट लिया है। ठीक है, जब हम रेस्टोरेंट स्टाइल कोई भी डिश बनाते हैं ना, तो उसी के हिसाब से हम ग्रेवी भी बनाते हैं। तो हमने 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं, हमने ये 4 टमाटर ले लिए हैं। हमेशा प्याज से ज्यादा टमाटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमने 8 काजू ले लिए हैं, ये 1 इंच अदरक ले ली है, इसको इस तरह से मैंने काट लिया है। ये मैंने 1 गांठ लहसुन की ले ली है, तो इसमें कम से कम 13-14 लहसुन होंगे। ठीक है, और ये मैंने 3 सूखी लाल मिर्च ले ली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी ग्रेवी बनाना। फ्रेंड्स, हमने गैस को ऑन कर लिया है और गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है। ठीक है, अब हम 1 टेबल स्पून लेंगे रिफाइंड ऑयल। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। ऑयल को होने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए गर्म। फ्रेंड्स, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो शाही पनीर जब ऑर्डर करते हैं और उसको कभी आकर घर में बनाते हैं, तो वो शाही पनीर आप कभी नहीं बना पाते हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी शाही पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल, कि आप इसको किस तरह से आसानी से घर में भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जीरा। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर लेंगे। 1 इंच डालेंगे दालचीनी, ये थोड़ी सी डालेंगे जावित्री। 4 हमने लौंग ले रखी है और 7-8 हमने काली मिर्च ले रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम 2 मिनट के लिए तड़कने देंगे। इस तरह से गैस की फ्लेम अभी हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। अब जितना भी मटेरियल हमने ग्रेवी के लिए रेडी करा है, इसको हम सब इसमें डाल दे रहे हैं। फ्रेंड्स, सारे मटेरियल को हमने कढ़ाई में डाल दिया है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर रखी है। फ्रेंड्स, अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज भी हमारा गलने लगा है और टमाटर भी हल्का हल्का सा गलने लगा है। इस टाइम पर हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे सॉल्ट, नमक। ठीक है, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। फ्रेंड्स, हमने ये जो नमक डाला है ना, इससे जो टमाटर है ना, ये बढ़िया से जल्दी से गल जाएंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए हमने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम। ठीक है, और अब हम इस पर लेट रख देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। ठीक है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करेंगे और इसको 1-2 बार हम चला लेंगे। ये देखिए हमने 250 ग्राम पनीर ले रखा है, अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, पीसेस आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से पीसेस को कट कर ले रहे हैं। इसी तरह से हम सारे पनीर के पीसेस को कट कर लेंगे। लेट हटा रहे हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी का जो मटेरियल था ना, वो रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम अभी लो टू मीडियम है। एक बार हम इसको चला रहे हैं। ये देखिए प्याज भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं और टमाटर ने भी छिलका छोड़ दिया है और वो भी अच्छे से गल चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को करेंगे ऑफ और ये जो हमारा मटेरियल है ना, इसको हम एक छन्नी में निकाल ले रहे हैं। ये देखिए हमने इसको छन्नी में निकाल लिया है, हम इसको एक प्लेट में रख ले रहे हैं। इसी तरह से हम सारा मटेरियल अपनी ग्रेवी का छन्नी में निकाल लेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए करेंगे ठंडा और फिर हम इसको मिक्सी के जार में इसका एक फाइन सा पेस्ट बना। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पिस गई है, हमने इसमें बस थोड़ा सा पानी ऐड किया था। ठीक है, ये देखिए एक हमने छन्नी रख ली है और ये जो हमारी ग्रेवी है ना, हम इसको छान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम इसमें थोड़ी सी डाल रहे हैं छन्नी में।
देखिए इस तरह से हम इसको छन्नी में जो मटेरियल है ना हमारा, हम इसको छान लेंगे। ये देखिए जो होटल में आप लोग शाही पनीर की ग्रेवी खाते हैं ना बिल्कुल क्रीमी सी, तो वो इसी तरह से छनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारा मटेरियल था ना ग्रेवी का, इस तरह से हम इसको दबा दबा के निकाल ले रहे हैं। जो और भी जार में है हम वो भी सारी डाल ले रहे हैं। ये देखिए इसी तरह से हम सारी ग्रेवी को अपनी छन्नी में करके अच्छे से छान लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी नीचे की ग्रेवी देखिए कितनी बढ़िया है, जो बाउल में रखी है ना, और जो ऊपर की थोड़ी सी बची है हम जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए और ये जो हमारी ग्रेवी है ना, इसको हम एक बार फिर से छान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये एक्स्ट्रा बचेगी ना, इसको आप एक कटोरी में रख लीजिएगा, और अगर कोई सब्जी आप बनाते हैं तो सब्जी में इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मगर जो शाही पनीर की ग्रेवी होती है वो क्रीमी होती है, तो इसलिए ये जो खड़ा मसाला है और जो बाकी मटेरियल है हमारी ग्रेवी का, ये हमको इसमें से हटाना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये देखिए जो हमारी ग्रेवी है कितनी क्रीमी सी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए गैस को करते हैं ऑन और बनाते हैं अपना शाही पनीर की ये रेसिपी। फ्रेंड्स देखिए गैस को कर लिया है ऑन और गैस पे कढ़ाई रख ली है। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून डालेंगे रिफाइंड ऑयल, 1 टेबल स्पून हम इसमें बटर को भी ऐड कर रहे हैं। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। बटर हमारा पिघल रहा है, ये हमने 2 तेज पत्ते ले रखे हैं, ये भी इस टाइम पर हम इसमें डाल दे रहे हैं। फ्रेंड गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और उसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखिए गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा कि ये जो हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है ना, ये जले नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर दिया है। अब ये जो हमारी ग्रेवी है ना, इसको हम ऐड कर रहे हैं। ये देखिए हमने अपनी ग्रेवी को भी ऐड कर दिया है और कलर आप देख रहे हैं बिल्कुल वही रेस्टोरेंट स्टाइल का कलर है। जो हमारी ग्रेवी है ना, ये भी बिल्कुल सुपर क्रीमी सी बनी है। ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। फ्रेंड्स 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, और इसको अच्छे से करेंगे फ्रेंड्स मिक्स। लाल मिर्च का भी हम इसमें कोई यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने मसाले में सूखी लाल मिर्च डाली थी। ठीक है, और इस तरह से हम अपनी ग्रेवी को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे शुगर। फ्रेंड शुगर हमने इसमें ऐड कर दी है और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो हमने इसमें शुगर ऐड करी है ना, जो हमारा टेस्ट है वो बिल्कुल बैलेंस रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें जो आज की रेसिपी है हमारी वो है शाही पनीर, तो चलिए कुछ शाही वाली बात हो जाए। ये देखिए मैंने 4-5 काजू ले रखे हैं और 4-5 बादाम ले रखे हैं, इनको बीच में से मैंने इस तरह से कट कर लिया है, इसको भी हम इस रेसिपी में डाल दे रहे हैं। 1/2 टीस्पून मैंने ले रखी है चिरौंजी और 7-8 मैंने ले रखी है किशमिश, उसको भी इस टाइम पर हम इसमें डाल दे रहे हैं और इसको भी अच्छे से करते हैं मिक्स। ये देखिए गैस की फ्लेम अभी हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम लेड ढक के रख देंगे और बीच में 1 से 2 बार हम इसको चला देंगे। तो चलिए लेड हटाते हैं। ये देखिए हमारी शाही पनीर की ग्रेवी कितनी सुपर दिख रही है और बिल्कुल क्रीमी सी बनी है, देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी शाही पनीर की ग्रेवी। फ्रेंड्स अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे क्रीम। फ्रेंड्स ये देखिए ये बिल्कुल फ्रेश क्रीम है हमारे घर की। ठीक है, और इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये देखिए गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे, 2 मिनट के लिए हम लेड ढक देंगे।
और बीच में एक बार चला लेंगे। तो चलिए लेड हटा रहे हैं। वाव सुपर, आप लोग देख रहे हैं कि हमारी शाही पनीर की ग्रेवी कितनी सुपर आई है और जो इसका टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी सा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारा होममेड शाही गरम मसाला। ये बहुत ही सुपर और बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स, एक बार मेरे कहने से इसे ज़रूर बनाइएगा। ये इतना सुपर है, जहां हम फुल टीस्पून गरम मसाला डालते हैं मगर शाही गरम मसाला में हम हाफ टीस्पून ही गरम मसाला डालेंगे और इतना सुपर टेस्ट आता है कि यकीन मानिए एक बार बनाएंगे तो आप बार बार उसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ग्रेवी में गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। अब इस टाइम पर हम ग्रेवी में अपने ये जो पनीर के पीसेस हमने कट करके रखे थे ये भी ऐड कर दे रहे हैं, ये देखिए। और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स हल्के हाथ से कि हमारे ये जो पनीर है ना ये बहुत सॉफ्ट है, ये बिल्कुल टूटे नहीं। ये देखिए कितना सुपर दिख रहा है, आप सबके मुंह में आ रहा होगा पानी। तो इसको बनाइए और फिर मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरी ये शाही पनीर की रेसिपी कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करके पका लेंगे और फिर आप सबके लिए इसको गर्मा गर्म करते हैं सर। तो लेड ढक रहे हैं और 1 से 2 बार हम बीच में चला। तो चलिए फ्रेंड्स, लेड हटा रहे हैं और गैस को करते हैं ऑफ और आपको दिखाते हैं कि हमारी शाही पनीर की ये रेसिपी कैसी बनी है। ये देखिए, आप लोग खुद बताइए कि ये रेसिपी कैसी बनी है, इसे खाइए और खाकर बताइए कि ये शाही पनीर की हमारी ये रेसिपी कैसी है। तो इसको जरूर बनाइएगा और जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए करते हैं आप सबके लिए गर्मा गर्म सर। वाओ सुपर अमेजिंग, बहुत ही सुपर बनी है हमारी शाही पनीर की ये रेसिपी। देख रहे हैं कि इसकी ग्रेवी भी कितनी बढ़िया सी है ना। और रोगन देखिए ऊपर आ गया है, थिकनेस देखिए ग्रेवी की जबरदस्त है और टेस्ट यकीन मानिए जब आप बनाएंगे ना तो मुंह में आ जाएगा आपके पानी। तो चलिए इसकी गार्निशिंग करते हैं। ठीक है, हम इसकी गार्निशिंग क्रीम से कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए हमने शाही पनीर की गार्निशिंग भी कर दी है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बना है हमारा शाही पनीर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। रखिए अपना ध्यान, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।